सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारे पास ना मतलब कि जो भी हमने टॉपिक किया था पहले, वो सबको वो सब आना चाहिए, ठीक है। तो अब ना एक हमारे पास एक फ्रेश टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। वैसे तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता था कोई नहीं, ठीक है, अब पता लग जाएगा। तो भाई हेडिंग डाल लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है भाई। तो पहले समझो कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। अच्छा भाई सुनो, सबसे पहली बात, एक तुम्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और जो दूसरा हमारे पास था इन फेवर ऑफ प्रॉफिट, जो मेरे पास है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में पता क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, इसके बारे में पता है ना? किसे नहीं पता? तीन चीज़ें होती हैं उसके अंदर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन, रेंट ऑफ पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, और तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। ये तीन चीज़ें होती हैं, जिसने बैकअप नहीं लिया ले लो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। अब सुनो भाई, हमारे पास ये तीन चीज़ होती है जो एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है चीज़, ठीक है। ये तीन चीज़ क्या हमारे पास? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो भाई पहले समझो, कोई सी भी चीज़ जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, कोई सी भी चीज़ जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, वो सारे के सारे हमारे पार्ट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। बात समझ आ रही है क्या बोला मैंने? कोई सी भी चीज़ जो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, ठीक है, वो सारे सारे किसके पार्ट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक। और वो सारे सारे चीज़ जो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट होते हैं, वो सारे सारे हमारे क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अब मैं देखो, ये तो थोड़ी थोड़ी सी टेक्निकल भाषा, ठीक है। अब थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज पे आता हूँ और बताता हूँ कि हमारे पास अगर कभी भी मैनेजर कमीशन, रेंट टू पार्टनर, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये तीनों चीज़ आती है, तो तुम्हें इसकी एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसके अंदर, पसंद आ गई। उसके बाद इसके अलावा कोई सी भी चीज़ अगर हम पार्टनर को देते हैं, पसंद आ गई। इसके अलावा कोई सी भी चीज़ अगर हम पार्टनर को देते हैं, वो सारा का सारा हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। बातें पता लग रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, अब सुनो, जैसे मान के चलो मैं तुमसे बोल दूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है, मतलब इसका मतलब क्या है? पार्टनर ने फर्म को दिया है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर मतलब कि पार्टनर के द्वारा लोन दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है भाई, कि अगर पार्टनर ने इंटरेस्ट दिया है, पार्टनर ने मान लो लोन दिया है, और पार्टनर को उस पर मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब कि प्रॉफिट हो चाहे ना हो, तो मैं वो देना का देना ही पड़ेगा। बातें पता लगी? फिर उसके बाद हम अगली बात करते हैं कि मैं तुमसे अगर ऐसा बोल दूं कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो ये भी पार्टनर को देना पड़ेगा। बात सुना रही है? ये चीज भी पार्टनर को देनी की देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, ठीक है, तो वो जो लोन है उस पे पार्टनर क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। उस पे क्या देगा? पार्टनर देगा इंटरेस्ट। किसको देगा भाई? फर्म को। पार्टनर जो है क्या करेगा उस टाइम? फर्म को इंटरेस्ट देगा। तो ये भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। ये बातें पता लगी सारी सारी? कौन कौन से प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है? ये चार चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको जिसकी एंट्री हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करनी है, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करनी है। अगर तुम चाहो इसकी भी एंट्री कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, सेम ट्रीटमेंट होगी। लेकिन जो थोड़े से ना हमें प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट है ना 1932, उसके कुछ कुछ प्रोविजन है, उसको फॉलो करने हो, तो तुम्हारी बुक में नहीं लिखे लेकिन मुझे पता है, तो इन चीज़ों को फॉलो करके चलना है। तो भाई बता दे रहा हूँ कि किन किन चीज़ की एंट्री करते हैं। अच्छा तो मैं वैसे फॉर्मेट पता होगा दोनों का, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तुम्हें इसका भी फॉर्मेट पता होगा, और जो तुम्हारे पास अगला है
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसके बारे में बताऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है भाई। ये दो चीजें हमारे पास है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दूसरा मेरे पास है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो भाई समझो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम किन चार चीज की एंट्री करेंगे। सबसे पहला मेरे पास है मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन है, और जो दूसरा है मेरे पे भाई वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और लास्ट में बोल सकता हूं रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, ठीक है भाई। तो मैं चारों बातें पता लग रही, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, ये चारों चीज हमारे पास ऐसी है जिसकी एंट्री हमारे कहां पे होगी भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद अगला समझो, देखो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है, इसका मतलब क्या है कि, अच्छा इसका मतलब बताया ना, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, और इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यहां पे पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है। अब भाई यहां पे समझो इन दोनों का मतलब, थोड़ा सा फोकस यहां पे करो सब। फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है, इसका मतलब क्या है, पार्टनर फर्म को पैसे देगा, पार्टनर विल गिव अमाउंट ऑफ मनी टू फर्म, ठीक है, और किस लिए होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, ये तो बोलेंगे ना। तो फर्म के लिए क्या होगा, इनकम हो गई, फर्म के लिए क्या होगी, इनकम हो गई ना भाई, पार्टनर को फर्म ने लोन दिया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर उसके ऊपर देगा ब्याज। अच्छा तुम्हें एक बात बताना कि ऑनर और जो कंपनी है, मतलब कि ऑनर और जो फर्म होती है दोनों अलग अलग होते हैं, ये बात होता है, बिजनेस और जो ऑनर है अलग अलग पर्सन होते हैं, बिजनेस इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होते हैं ना सारे सारे, तो बता चुका हूँ पहले मैं, 11th में बताया था मैंने वैसे। तो यहाँ पे जो पार्टनर है फर्म को पैसा देगा, तो ये जो पैसा दे रहा है फर्म के लिए क्या हो गई भाई, ये एक टाइप की इनकम हो गई, ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास, एक टाइप की इनकम हो गई भाई। अगर ये इनकम है तो हमें क्या समझना है, ये किसकी बात चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात चल रही है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में जाएगी भाई, क्रेडिट साइड में जाएगी, चलो इतने बुद्धि तो काम कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, बात समझ आ रही है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, इसका मतलब क्या है, फर्म पार्टनर को ब्याज देगी, यहाँ पे जो फर्म है फर्म देगी पार्टनर को ब्याज, इंटरेस्ट देगी, ठीक है, इसको इंटरेस्ट ऑन लोन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये फर्म के लिए क्या हो गया, एक टाइप का एक्सपेंडिचर बोल दूं, ठीक है, ये हो गया इसका एक टाइप का एक्सपेंडिचर जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये जो एक्सपेंडिचर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी, ये बातें पता लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसके अंदर। अच्छा आप सुनो, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, फर्म की इनकम बढ़ी, इसका मतलब फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, ये तो हुआ। फर्म की अगर इनकम, देखो इनकम कैसे बढ़ती है, पार्टनर ने अपने घर से पैसे ला के दिए, ये पार्टनर ने क्या किया, अपने घर से गया अपनी बीवी से उसने पैसे लिए और दे दिए, ठीक है, तो इसका मतलब फर्म के, फर्म का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया, बातें तो लगी। तो इससे क्या बोल सकता हूँ कि इसको हम प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ऐड टू प्रॉफिट, ठीक है, ये क्या होगा भाई मेरे पास प्रॉफिट में जाके ऐड हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉफिट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉफिट। बताओ इन बातों में दिक्कत है किसी को भाई, पहले तो मैं ये सारी बात पता होनी चाहिए, अगर इसका पूरा मेन जो मुद्दा बताओ ना, बस ये है कि जो भी
खर्चे हैं फर्म के वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे और जो फर्म की जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में जाएंगे। ठीक है, अब सुनो भाई अगली बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। इसका हो गया था वाला, अब मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है, फिर उसके हिसाब से देख लेना क्या क्या चीज़ें होती हैं। भाई नीचे की बात सारी कॉमन सेंस की है, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना उसको, जो लिखना चाहे लिख सकता है आराम से। अब सुनो भाई हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है भाई। सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये मेरे पास डेबिट साइड है और ये वाला है मेरा क्रेडिट साइड, ये है पर्टिकुलर और ये है अमाउंट। और भाई कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेगा, ध्यान रख के चलना, ये पर्टिकुलर है और ये भी है अमाउंट। अब सुनो भाई, तो सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना कि अगर मेरे पास प्रॉफिट होता है, कहाँ से ट्रांसफर होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ऐसे ही तो होगा ना। अच्छा सुनो, मैं ना इसके नीचे ही ना या फिर ऊपर, मैं इसके ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें बता दूँ कैसे ट्रांसफर होगा पूरा ये। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है एज एट 31st of March, अब कोई सा भी हो सकता है यहाँ परसेंट, ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बोल सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st of March। भाई सबको पता है इसमें पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये मेरा हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सुनो भाई, सबसे पहले मेरे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, उसके जो उसका जो हमारे पास क्रेडिट साइड है उसमें क्या आता है, मेरे पास प्रॉफिट आता है। सुनो मैं पहले तुम्हें प्रॉफिट की ट्रीटमेंट करके बता रहा हूँ, उसके बाद जो लॉस आएगा ना उसके बारे में बता रहा हूँ, मैं इसको दोनों साथ में बताता हूँ। देखो अगर मेरे पास प्रॉफिट होता है तो वो आएगा इस साइड, और अगर लॉस होता है तो इस साइड। यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास आएगा बाय नेट प्रॉफिट, ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, जो भी तुम्हारा अमाउंट आएगा यहाँ लिख देना। अगर कोई सा लॉस हुआ तो टू ग्रॉस लॉस, जो अमाउंट आएगा यहाँ पे, ये बातें बताऊंगी सबको। अब सुनो भाई अगला क्या होता है कि अगर ऐसा हुआ कि हमें पार्टनर को कुछ देना है, तीन चीज़ें थी ना, देखो पहला मैनेजर कमीशन, दूसरा रेंट टू पार्टनर और तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ये था ना। अब सुनो तो पहले मेरे पास क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू मैनेजर कमीशन, जो भी अमाउंट है यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद टू रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, तो भाई यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट है आ जाएगा, फिर यहाँ पे टू क्या भाई इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, ये बातें पता लग रही है।
उसके बाद अगर कोई सी इनकम होती है, इनकम किस नाम से थी भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर मतलब कि हमने अगर पार्टनर को कोई सा भी लोन दिया है वो, तो भाई देखो अगर ऐसा हुआ अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है नेट प्रॉफिट आएगा मतलब कि इस साइड का अमाउंट अगर इस साइड वाले से ज़्यादा है, इस साइड का टोटल किया मैंने वो इस साइड वाले से अगर ज़्यादा है मतलब कि इधर 10 लाख है और इधर 8 लाख है, तो इधर का मेरे पास क्या कम पड़ा, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो कोई सा भी अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो टू नेट प्रॉफिट जो तुम्हारा अमाउंट होगा यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई सा लॉस हुआ बाई नेट लॉस वो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे। ये बातें पता लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो भाई, यहाँ से जो भी ट्रांसफर होगा अगले वाले में होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे बाई नेट, अच्छा एक मिनट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड, हाँ भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तुम्हें नीचे शॉर्ट में डालना है नेट प्रॉफिट, ठीक है भाई। ये बातें पता लग रही है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ वो चार चीज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तुम्हें अंदर ही बनानी है हमेशा, जो चार चीजें हैं उसकी ट्रीटमेंट तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही करनी है, ठीक है ऐसे ऊपर बना के उसके बाद चालू करना। तुम्हारी क्लास के, तुम्हारे साथ के जितने बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इसी के अंदर सारा करते हैं ट्रीटमेंट। लेकिन जो भाई CBSE की जो मार्किंग स्कीम है ना, उसके अंदर ऐसी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है देख के चलना एक बार, ये लिखा होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन तुम अंदर ही ब्रैकेट डाल डाले कर सकते हो, ये भी चल जाता है देखो। और अगर लॉस हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्या लिख दोगे भाई, नेट लॉस। बताओ ये बातें पता लग रही हैं। अब भाई हम ना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम्हें एक बात ध्यान रख के चलनी है कि अगर हम कुछ भी, हमें कुछ भी पार्टनर को देना है, हमें अगर कोई सा भी अमाउंट पार्टनर को देना है तो उसकी एंट्री होगी इस साइड, और अगर हमें पार्टनर से कुछ भी लेना है तो उसकी एंट्री होगी इस साइड, ठीक है। अब सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ हम पार्टनर को दे सकते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है तो पहले क्या लिखूँ भाई यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई यहाँ पे मान लो एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल और यहाँ पे बीस कैपिटल, मान लो भाई मैं दो पार्टनर मान के चल रहा हूँ, ठीक है उसका अमाउंट यहाँ पे और इसका इसका अमाउंट यहाँ पे, ठीक है जो भी है ऐड करके यहाँ लिख दो, बातें पता लगी। अब भाई देखो जैसे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है ना, यहाँ पे अगर दोनों पार्टनर ने एक साथ लोन दिया होगा तो वो भी लिख सकते हो, मतलब कि चलो अलग से लिख दे रहा हूँ मैं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दोनों पार्टनर ने दिया है तो एस कैपिटल और बीस कैपिटल, ठीक है इसका अमाउंट यहाँ, इसका अमाउंट यहाँ ऐड किया टोटल अमाउंट यहाँ, ठीक है। अच्छा भाई मान लो अगर सिर्फ एक पार्टनर ने कुछ दिया होगा, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक ही पार्टनर दिया और ने नहीं दिया, जैसे मान लो मैं रेंट की बात करता हूँ, ठीक है तो यहाँ पे लिखूँगा टू, मान लो ए ने दिया है, एस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई ब्रैकेट में डाल दूंगा रेंट, बस में आगे या तो आगे डाल दो या फिर यहाँ साइड कहीं साइड में नीचे डाल दो, ये बातें पता लगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, अगर मान के चलो मैं पैसा थोड़ा सा रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा पैसा खाएं रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, भाई कहाँ से निकालूंगा, प्रॉफिट में से निकलेगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे, टू रिजर्व। भाई देखो जो भी चीज़ हमें ना पार्टनर को देनी है या फिर हमें कहीं पे भी, मतलब कि अगर इस प्रॉफिट में से हमें कुछ खर्च करना है ना, हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। और ना इसमें क्या कह सकता है भाई, लास्ट में मान के चलो पार्टनर के कमीशन है वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है मैं ना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, इसे कहते हैं रेंट का ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं,
यहाँ पे टू पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। और भाई बाकी लास्ट में क्या प्रॉफिट बांटना होगा ना, तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पहले ए इज कैपिटल, फिर है बी इज कैपिटल, ठीक है। एक तो ए इज कैपिटल है, दूसरा क्या है बी इज कैपिटल है, बताओ ये बातें पता लग रही हैं। अब सुनो, इस साइड का सारा बता दिया भाई, अब ना हम दूसरे साइड की बात करते हैं कि और क्या हो सकता है, हम पार्टनर से क्या क्या लेंगे। अगर हमने पार्टनर को ड्राइंग, मतलब पार्टनर ने हमसे ड्राइंग करी हुई है, पार्टनर ने ड्राइंग करी हुई, तो क्या करेंगे भाई, ड्राइंग आ जाएगा, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए इज कैपिटल, यहाँ पे है बीस कैपिटल, इसका अमाउंट यहाँ, इसका अमाउंट यहाँ, बताओ ये बातें पता लग गई। उसके बाद भाई क्या होगा, अगर लॉस बांटना होगा तो लॉस बांट देंगे, ये बातें पता लग रही है। फिर क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल वीज कैपिटल, बताओ भाई इन बातों में दिक्कत आ रही किसी को। देखो ये तुम्हारा टोटल फॉर्मेट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर बताओ पहले भाई। इसके बाद ना मैं थोड़े बहुत ना छोटे मोटे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं किस किस तरीके से हम क्या कि किसी भी क्वेश्चन को आगे कर पाते हैं। एक तुम्हारे पास दिख रहा होगा इलस्ट्रेशन है हमारे पास, निकाल लो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, जिसमें तुम्हें दिख रहा होगा अमन एंड बोमन, देखा अमन एंड बोमन इसी के आगे होगा, अमन एंड बोमन इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, ढूंढो एक बार किधर है, अमन एंड बोमन है, नहीं मिला, कर स्पीड में कर लो। सुनो भाई देखो, हमारे पास ये जो इलस्ट्रेशन है उसमें कह रहा है कि अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। भाई इक्वली का मतलब क्या है, 1:1 का रेशियो है, मतलब बराबर बराबर का रेशियो है। तो हमारे पास एक है अमन, दूसरा है बोमन, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है हमारे पास 1:1 का रेशियो है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर हमारे पास भाई 8 है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं बिजनेस इज बीइंग कैरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑन बाय अमन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000। सुनो भाई इसमें क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस इज बीइंग कैरिड, जो बिजनेस चलाया जा रहा है ना वो कैसे चलाया जा रहा है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब पता क्या होता है, बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑन बाय अमन ऑन अ ईयर ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000। इसका मतलब पूरा ये है कि जो हमारा बिजनेस जो कैरी किया जा रहा है वो अमन है उसकी प्रॉपर्टी में कैरी किया जा रहा है, मतलब कि अमन है उसके मकान में या फिर उसकी बिल्डिंग में चलाया जा रहा है, जिसका साल का बिजनेस 24,000 रुपये है, बात समझ में आ गई। तो उसके बाद भाई यहाँ पे कह रहा है कि अमन इज टू गेट, अच्छा पहले पता अमन का रेंट है, ठीक है, अमन का रेंट है वो है हमारे पास 24,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है भाई वो है अमन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम। अमन को सैलरी मिलेगी, अमन जो हमारे पास है अमन की आएगी सैलरी और वो है 1,20,000 रुपये की, ठीक है। फिर कह रहे कि एंड वोमन इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल। अब सुनो भाई यहाँ पे समझो,
जो वुमन है उसको 5% कमीशन मिलेगी, ठीक है। 5% क्या भाई, उसे कमीशन मिलेगी किस पे, नेट सेल पे। और नेट सेल उसने बता रखा है, कह रहे कि विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लाख है, 30 लाख रुपए का नेट सेल है और उसका 5% कमीशन, ठीक है। तो भाई जो वुमन को जो कमीशन मिल रहा है भाई, वो हमारे पास है 30 लाख और इसका 5%, तो भाई 30,000 और 5 30 पास है 15। हाँ भाई, तो कितना, 1,50,000। मोहन का कमीशन कितना है, 1,50,000 है। फिर कह रहे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द रेंट 5 लाख। सुनो भाई, उसने बोला है रेंट देने से पहले उसने क्या बोला, देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, भाई तुम्हारा 21 लिखा है, 22 लिखा है, 21, ठीक है। तो वही है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज 5 लाख। उसने ये बता रखा है कि भाई जो रेंट है, मतलब कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो कितना है, 5 लाख है बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। रेंट को देने से पहले जो प्रॉफिट कितना है उसका, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, देखो मैंने बताया था कि अगर रेंट वगैरह, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, बोलता मैंने। देखो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है या फिर तुम्हारा मन है बनाने का, बना दो, बात समझ आ रही है। अगर तुम्हारा मन है या फिर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बताया था अभी, तो उस फॉर्मेट को बना दो, कोई दिक्कत नहीं आती है उसके अंदर। लेकिन अगर तुम वो नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तुम्हें मान लो टाइम वेस्ट नहीं करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के ऊपर, तो क्या करोगे ये समझो, तुम्हें बनाना सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा वैसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कह रहे कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। उसने क्या बोला भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है भाई, ये चीज है हमारे पास। तो क्या हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, हम उसको बना लेते हैं, फिर उसमें एंट्री कर देंगे। तो भाई ये हमारा है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट अब सुनो भाई ये चीज है हमारे पास। तो अब हमें इसके अंदर करना क्या है ये समझ जाओ, कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमारे पास है कितने का, 5 लाख बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। रेंट देने से पहले ना हम क्या करेंगे भाई, यहीं पे इसकी ट्रीटमेंट कर देंगे अंदर ही अंदर, ठीक है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, नेट प्रॉफिट मतलब कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखूंगा पहले नेट प्रॉफिट और यहाँ पे लिख दिया 5 लाख, उसमें से माइनस कर दो 24,000, तो कितना आ गया, 4,76,000, ठीक है, 4,76,000 मतलब 4,76,000 आ गया, ठीक है। ये बातें पता लग रही है, 4,76,000 हुआ है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई। पहले देखो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको ना तुम आराम से, जब एक आइटम हो ना, सिर्फ एक अमाउंट हो उसको यहाँ पे कर दो, ऐसा 3-4 हो तो भी कर सकते हो यहाँ पे, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया है, तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर जो मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया भी तुरंत उसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो देख लो तुम्हें दोनों में से जो पसंद आए वो कर दो, ठीक है। अब देखो मेरे पास प्रॉफिट कितने का, 4,76,000 का है। अब सबसे पहले मेरे पास क्या है कि भाई अमन का रेंट मैंने पे कर दिया, ठीक है, अगला क्या है, अमन की सैलरी देनी है, यही तो है,
जो हमारे पास अमन है उसकी सैलरी देनी है। तो क्या लिखूंगा भाई मैं, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000। फिर कमीशन है भाई, टू बोमन्स कैपिटल अकाउंट यह है 1,50,000। अब भाई तुम्हें पता लग रहा है इसमें प्रॉफिट कितना बचेगा, इसमें हम क्या कर देंगे, देखो और तो कुछ नहीं देना ना हमें, तो क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पहला एज कैपिटल अकाउंट, अच्छा अमन्स लिख दे रहा हूँ पूरा, ठीक है अमन्स कैपिटल, और दूसरा है बोमन्स कैपिटल। तो भाई अब ना इसके हम कर देंगे नीचे कैलकुलेशन, हम नीचे हेडिंग डाल देंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है भाई प्रॉफिट बांटेंगे, कितना बच रहा है बताया भाई, 4,76,000 में से 2,70,000 माइनस कर दो तो 2,06,000, इतना बच रहा है ना पक्का, ठीक है भाई तो 2,06,000, 2,06,000 को दो जने के बीच में बांटना है, पहला मेरे पास है अमन, दूसरा है बोमन, तो कैसे भाई इक्वल इक्वली बटेगा, कॉमन सेंस लगा दे इसमें, 2,06,000 है ना, आधा करते हैं दोनों का। वैसे तेरे को तरीका क्या है, 206,000 1/2, 206,000 1/2, भाई क्या है इसका मतलब 1/2 का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का है, ठीक है जो मेरे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, मेरे पास 1:1 का है, इसका मतलब क्या होता है भाई, जैसे अमन को दे रहा हूँ तो अमन का मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है दोनों का ऐसे कर दिया। अच्छा अगर मेरे पास 3:2 होता ना, 3:2 होता तो क्या करता भाई मैं, जो मेरे पास 3 है मैं ऐसा लिखता 206,000 3 और दोनों को ऐड कर दो 5, ठीक है ये अमन का हो जाता, फिर बोमन का ऐसा निकालता 206,000 और 2/5, बातें पता लगी इस तरीके से। तो भाई यहाँ पे ना अगर कोई ना कॉमन सेंस लगाएगा तो 1,03,000 आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे, 2,06,000, भाई सही आ रहा ना एयरटेल के, कर दो ऐसे 476,000 4,76,000, बताओ इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को, हाँ भाई किसी को दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अगर तुम सब चाहो तो इसके नीचे एक वर्किंग नोट मतलब नोट लिख सकते हो कि रेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इट विल बी एडजस्टेड, ठीक है क्या लिखेंगे, एक मार ना जाओगे अभी क्या लिखेंगे भाई, कि इट विल बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बात समझ आ गई। अब देखो इन समय से किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास भाई एक बार जो अगला है उसको देखते हैं, कुछ कुछ टॉपिक मेरे पास है उसको समझा रहा हूँ, तो भाई समझ जाओ कि मेरे पास वो है क्या, उसके बाद ना कुछ कुछ क्वेश्चंस पे आ जाऊँगा मैं, ठीक है ये सब का हो गया। पहले एक अगली हेडिंग डाल लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये हेडिंग डाल लो, जो हेडिंग है हमारे पास वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
भाई समझो हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखो पार्टनर को जो भी चीज़ दी जाती है या फिर उसके कैपिटल के साथ जो जो अमाउंट जोड़ा जाता है, ठीक है, उसका जो भी हिसाब होता है ना वो जिस अकाउंट के अंदर लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं भाई हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। बात समझ आ गई? दोबारा समझाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला कि पार्टनर को जो जो चीज़ देनी होती है और उससे जो चीज़ लेनी होती है इन सब की ट्रीटमेंट जिस अकाउंट में की जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फॉलो करने के दो मेथड है, ठीक है। पहला मेरे पास है भाई फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा मेरे पास है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। इससे कितने मेथड है भाई? दो मेथड है हमारे पास। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा मेरे पास है फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब सुनो भाई मेरे पास क्या है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, अगला क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बताओ इसमें पहला दिक्कत है भाई किसी को? सुनो ये सिर्फ मैं टॉपिक के नाम लिखे, अब ना हम इसका मतलब समझेंगे क्या है इसका मतलब। देखो सिंपल सी एक ही बात आती है कि पहले हम समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का मतलब क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मेथड का मतलब है कि हम इस मतलब कि जब भी इस मेथड को फॉलो करेंगे उस टाइम हम कैपिटल को कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अनलेस हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं या फिर कैपिटल विड्रॉल करते हैं। बातें पता लग रही है? हम कब तक इसको भाई मतलब कि टच नहीं करते, जो मेरे पास जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है इसमें हम कैपिटल को कब तक टच नहीं करते? जब तक हम कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगा देते या फिर कैपिटल को विड्रॉल नहीं करते। बातें पता लगी? अब मैं तुम्हें इसमें ना बहुत ही मान लो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो तुम्हें पूरे हमेशा ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। बच्चों को जिनमें पूरे साल कन्फ्यूजन रहती ना वो वाली बातें दूर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम को अभी दूर कर रहा हूँ मैं। तुम्हें ध्यान रखे चला कभी भी अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड लिखते हैं, बात समझ आ रही है? कभी भी अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड लिखते हैं या फिर यूज़ करते हैं उस टाइम जो मैंने तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था अभी, तुम इसमें क्या लिख रहे थे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहे थे बार बार, या फिर बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा था ना, इसमें हमारा वो नहीं आएगा, इसमें मेरे पास आएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बात समझ आई, या फिर बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। बातें पता लग गई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? लिख लो इसके अंदर फिर भी। क्या होता है भाई जब भी हम इस मेथड को यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? या तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर डेबिट साइड में होगा तो बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर? या तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट है या फिर बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ठीक है। और इसमें क्या है भाई? नॉर्मल चलता है इसके अंदर। नॉर्मल नॉर्मल का मतलब क्या है? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल अकाउंट चलेगा। लेकिन अब सुनो हमें जो समझना है इसी में समझना है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें नॉर्मल चलता है। अगर हम इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं सबसे पहले हम बनाते हैं, देखो अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है तो मैं उस अकाउंट को बनाऊंगा, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद बनेगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसमें मैं तुम्हें बता दिया या तो ऐसी एंट्री होगी या फिर ऐसी एंट्री होगी, ये बातें पता लग रही है। उसके बाद ना भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हें बात समझ के चलनी है वो मेरे पास क्या आ जाएगा? हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगला बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो क्या बनाएंगे भाई इसके बाद?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। भाई ये दोनों के दोनों अकाउंट एक साथ बनाए जाएंगे हमेशा, ठीक है, ये बातें पता लग गई। मैं तुम्हें क्या क्या बताया था कि भाई अगर कभी भी, अच्छा सुनो, हमें क्या ध्यान रखे चलना है कि ना, मैंने तुम्हें क्या बताया कि हम कैपिटल अकाउंट को कब टच करेंगे, जब हम या तो एडिशनल कैपिटल लगा दें या फिर हम क्या करते हैं भाई विड्रॉन ऑफ कैपिटल कर लें। अच्छा विड्रॉन ऑफ कैपिटल का इसका दूसरा मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, क्या बोलते हैं उसे, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं, ये बातें पता लगी। तो भाई इसके बारे में ना और भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, अभी सिर्फ समझना है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, हमें ध्यान रखकर चलना है। ये मेरा पार्ट देखो, जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज करते हैं उसमें टू पार्टनर्स करंट अकाउंट बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें करंट अकाउंट यूज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्लक्चुएटिंग की बात कर दूं उसमें नॉर्मल चलता है, ठीक है, उसमें मतलब कि ना, अच्छा जब कुछ ना बोला जाए, जब क्वेश्चन तुम्हारा साइलेंट है कि फिक्स यूज करना है कि फ्लक्चुएटिंग यूज करना है, तुम क्या यूज करोगे, फ्लक्चुएटिंग, बातें पता लगी। जब क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला तुम्हें क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग। अगर तुम चाहते हो कि भाई मैं फिक्स से करना चाहता हूँ, तुम चाहते हो कि मुझे करना है फिक्स से, ठीक है, तुम नीचे लिख दो, मेंशन कर दो, नोट वी आर यूजिंग या फिर वी एज्यूम दैट वी आर फॉलोइंग अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, तुम्हारे 12th के लेवल पर चलता नहीं है, ये चलता है नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। अब सुनो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करेंगे, इसमें नॉर्मल आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है भाई। फिर मेरे पास क्या बन, देखो ये तो मैंने बता दिया कैसे कैसे यूज करना है, बात समझ आ रही है। फिर सुनो, अब मेरे पास अगला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर बनाना होगा तो बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा तो बनाएंगे, लेकिन ये वाला अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ भाई, मैंने बोला कि जो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो बनाएंगे, दूसरा ये तो भाई बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, भाई ये भी बनेगा, लेकिन इसके बाद क्या बन जाएगा सीधा मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक मिनट, हाँ सिर्फ हमारे पास सिर्फ बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसमें ध्यान रखना, ये बता दें मैंने कैसे कैसे बनेगा, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भाई सिंपल सी बात क्या है मेरे पास कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या समझ चल रहा है कि करंट करके यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो बनाओ, मतलब कि अगर जरूरत होती तो बनाओ ना छोड़ दो, ये तो बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके बाद अगला बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये इसके ऊपर ना भाई जो हमारी एक अगली क्लास होगी वो पूरी की पूरी जाएगी, ठीक। फिर तुम्हारे ये टॉपिक ख़त्म होगा, फिर तीन चार टॉपिक और है, वो टॉपिक होते तुम्हारा मान लो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम्हें ना ज़्यादा मतलब कि आगे क्वेश्चन पढ़ने जरूरत नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जितने क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो ट्राई करो, ठीक है। वैसे जब तक टॉपिक खत्म होगा ना सारे के सारे डाउट मैं देख के एक बार सारे बता दूंगा, मुझे लगता है भाई इन चीज़ों में डाउट निकल सकते हैं, या फिर तुम सबसे पूछ के कि भाई किस किस चीज़ में डाउट है वो सारे डाउट ले लूँगा, मैं लिख दूंगा एक जगह, फिर वो सारे के सारे डाउट ना एक क्वेश्चन के अंदर में बता दूंगा कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर देना, ऐसा हुआ तो ऐसा कर देना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो बच्चों को पूरे साल दिक्कत देती है भाई, इस छोटी चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं, सोचो कि कब ये बनाना है कब वो बनाना है इन छोटी चीज़ में, लेकिन तुम्हें ध्यान रख के चलना है क्योंकि स्पेशली टॉपिक लिखवाया है, ऐसा कोई टॉपिक है नहीं तुम्हारे इसके अंदर, ये चीज़ लिखे हुए नहीं तुम्हारे इसके अंदर, ठीक है। करो सुनो डाउन,